अभी ये मैं रास्ते से गुजर रहा था तो ये छलियां ली हैं तोतों के लिए, इस तरफ ये दूसरी थी अपने लिए ली है। तो रास्ते में वेल्डर गुजर के जा रहे थे तो उन्होंने मुझे देख लिया तो कह दिया कि हमारे लिए भी लेके आनी है। हो मच मनी मच मनी 300 तो एक छली और खासा 300 विन सुन ठीक है भाई। हेलो उस्ताद जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद इब्राहिम की जो तबीयत थी वो 2-3 दिनों से ठीक नहीं थी, उसको बुखार था और आज रात वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि 3 बजे मुझे रात को उसे इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा। 6 बजे मैं वापस आया तो मैं सो गया, उसके बाद मेरी लेट आँख खुली। तो आज के जो काम थे वो बहुत ज़रूरी काम है। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमने ये जो पीछे आपको बताया था कि इसका अंगूर का छत डालना है, तो उस छत के लिए जाके पाइप और दूसरा सामान लाना था। वेल्डिंग वाले लगे हुए हैं, दरवाज़ा वो लगा चुके हैं, तो अब इसके बाद उन्होंने यही काम करना है। तो जाके सबसे पहले मैंने ये पाइप लगाने हैं। पहले हमारा ये प्रोग्राम था कि सिर्फ यहाँ तक, जहाँ तक ये बांस लगा हुआ है यहाँ तक ऊपर छत बनाएंगे और ये इस अंगूर को उस छत पर कर देंगे, लेकिन बाद में हमारा प्लान चेंज हो गया है। अब यहाँ से लेके हम यहाँ तक ये पूरा छत बनाएंगे और ये जो जितना भी एरिया है इसके ऊपर सारे पे अंगूर आएगा। नीचे सब्जियाँ होती हैं तो इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं है कि ये ऊपर जाएंगी तो छत को कोई नुकसान होगा। यहाँ सिर्फ सब्जियाँ होती हैं जैसे पालक, धनिया, सलाद और ये मौसम की सब्जियाँ जो होती हैं, इससे छत पे कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ पे भी कुछ मिर्चें और कुछ और सब्जियों की पनीरियाँ थी वो लगाई हैं, टमाटर वगैरह लगे हुए हैं इनको भी अभी यहाँ पे शिफ्ट करना है। इसी तरह कुछ वो कद्दू वगैरह लगे हुए थे तो उन सब को भी इस जगह पे शिफ्ट करना है। नॉर्मली हमारी जो सब्जियाँ वो सारी वहाँ उस कॉर्नर में लगी हुई हैं, वो सब्जियों के लिए हमने स्पेशल जगह छोड़ी थी लेकिन वहाँ जगह कम है, भिंडियाँ लगा दी थी और वो भिंडियों ने जगह ज़्यादा कवर कर लिया तो इसलिए हम ये छोटी चीज़ें वहाँ नहीं लगा सके, तो ये चीज़ें हमने यहाँ लगाई हैं। अभी जब भिंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर इस तरह की चीज़ें हम छोटी मोटी चीज़ें जो हैं नॉर्मल प्रोटीन में जो हांडी में इस्तेमाल होती हैं वो हम वहाँ पर लगाएंगे। गोदाम में इतने ज़्यादा किस्म के पाइप हैं कि बंदे का दिल करता है कि अच्छे से अच्छी चीज़ हो, लेकिन हमें जो ज़रूरत है वो ये वाला पाइप है, एक इंची वाला जो, तो ये हमने लिया है। 6 लेंथें काफ़ी हैं। इसके अलावा जो सेंटर में सपोर्ट देनी थी वो इसी पाइप से देंगे, हमें ये वाली पट्टी लगानी है। इस पट्टी को थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे ताकि जो इसके अंदर लचक आएगी वो लचक ख़त्म हो जाए। मैंने एक ऑर्डर किया था दराज पर तो वो पार्सल आ गया है। इसके अंदर फिंचज के बॉक्स टाइप होती हैं जिसके अंदर वो रीड करती हैं, अंडे बच्चे देती हैं। ये सिर्फ मैंने टेस्ट करने के लिए 2 लाए हैं, वैसे तो नॉर्मल मटकियाँ होती हैं लेकिन मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें भी वो अच्छी ब्रीड करती हैं, और अगर ऐसा है वो ब्रीड करती हैं तो इंशाल्लाह फिर ये और ज़्यादा मंगवा के लगाएँगे। यहीं पर बैठ के मैं इनको खोलूँगा और अभी लगा के चेक करेंगे। माशाल्लाह जी, और ये दूसरी है, ये फिंचेस के लिए मंगवाई है 2। ये जो हमारा छत था उसका जो मेन फ्रेम है वो तैयार हो गया, ये इस पैमाइश के बिल्कुल बराबर है, इसके ऊपर आएगा और नीचे जो है 2 सपोर्टें आ जाएंगी, बाकी ये सारा दीवार पे आएगा। ये हमारी मेहमान है तो इसको हम कुछ खिला पिला के भेजेंगे, अभी वो डरी हुई है, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊँगा तो ये खाना शुरू कर देगी। ये सारे बॉक्स बन गए हैं, जो बॉक्स वहाँ पे बने हुए हैं इन्होंने यहाँ पे रख के ठीक किया था, तो ये जो है सारे बॉक्स आ गए हैं। ये हमारा यहाँ पे लग गया है, ये जो है ये मसाला डाल के इसको हमने फिल कर देना तो ये मज़बूत हो जाएंगे। एक मसला ये हुआ है कि ये नीचे आड़ू का दरख्त लगा हुआ है और इसको ऊपर आना है, तो ये वाली जो जगह है यहाँ से हम थोड़ा सा इसको काट लेंगे ताकि ये जब ऊपर आएगा तो ये आसानी से ऊपर निकल जाए। हमारे घर जो मेहमान मुर्गी आई थी मैं उसको अभी देखने के लिए आया हूँ कि वो जिनकी है उनको वापस कर रहा हूँ, तो उसको मैंने यहाँ ला के छोड़ा था पकड़ के, अभी जब मैं लेने आया हूँ तो वो यहाँ से भी कहीं जा चुकी है, मतलब उसका आज मोहल्ले का टूर चल रहा है तो वो यहाँ से निकल के किसी और जगह चली गई। ठीक है जी, हमारा माशाल्लाह से तैयार, अभी इसको सिर्फ रंग करवाना है, वो जब ये घर रंग करने वाले आएंगे तो ये भी साथ करवा लूँगा। अंगूर हमारा ऊपर आ गया है, सिर्फ एक अंगूर की खातिर हमने ये इतना खर्चा कर दिया। मैं भाई को बता रहा था कि अगर इतना अंगूर हम पूरा साल भी रोजाना खाते तो इतना खर्चा नहीं होना था, मैं इसे एक पे कर दिया लेकिन ये खूबसूरती बढ़ गई है। पौधों का और परिंदों का शौक है, इस शौक के लिए मैं इतने पैसे लगा देता हूँ, वरना इतने ज़्यादा खर्चा अगर हम करते हैं अंगूर पे तो हम पूरा साल सुकून से अंगूर खा सकते हैं। ये एक थी, दूसरी शाख मैंने देखी नहीं थी तो इसको भी ऊपर ले आए हैं, इसको उस साइड पे कर दिया। पहले हमारी कोशिश ये है कि ये जो फ्रंट है ये सारा कवर हो जाए। सलाद के पत्ते सारे ख़राब हो गए हैं, पालक को कीड़ा लग गया, धनिया भी ख़राब हो रही हैं और इस तरफ भिंडियाँ भी, तो इनको भी करनी है स्प्रे।
एक ढक्कन एक बोतल में, इस पूरी बोतल में एक ढक्कन डालना है। स्प्रे तैयार हो गई है और अभी हम इनको करेंगे। इधर अंगूर को भी कर देंगे ताकि इसको भी कीड़ा ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो फ्रेम था ये सारा तैयार हो चुका है और वक्त काफ़ी गुजर चुका है, मगरिब होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। वेल्डर ने कहा था कि इसको रंग लाजमी करवाना है वरना ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इसको रंग करवाना है। अब सर्दियों में जो सब्ज़ियों के ऊपर हमें छत डालना था वो ऑटोमेटिकली हमारा छत बन गया है, सब्ज़ियाँ सर्दी से ख़राब भी नहीं होंगी। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।